दहशतगर्द मोदी सरकार बाज ना आई। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की, जिससे दो पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। पाक फौज के शोभा तालुकात अमा के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के देवा सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग की है, जिसके बायस दो पाकिस्तानी फौजियों ने जामे शहादत नोश किया। सिपाही नूरुल हसन की उम्र 29 साल और सिपाही वसीम अली की उम्र 25 साल थी। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिसके बायस दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचे हैं। आजाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग और गोलाबारी में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान में ताजुनात, भारतीय सिफारतकारों को बारहा दफ्तर खारिजा तलब करके शदीद एहतजाज किया जाता है, तहम भारत का जंगी जुनून किसी तौर कम होने में नहीं आ रहा, जबकि आलमी बरादरी भी भारत को रोकने में नाकाम नजर आ रही है। ISP के मुताबिक रवां बरस अब तक भारत की जानब से 2333 मरतबा सीज फायर लाइन की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है।